कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कट या कॉपी करते हैं तो उसके बाद में वो किस जगह स्टोर होती है। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आपने कोई चीज़ को कट या कॉपी कर लिया उसके बाद में वो कहाँ पे जाता है। तो आपको बता दूं वो जगह होती है क्लिपबोर्ड, जो कि हमारे कंप्यूटर में जगह बनाई हुई होती है, एक छोटी सी स्टोरेज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें कट के लिए शॉर्ट कमांड क्या होती है, CTRL के साथ अगर आप X दबाओगे तो वो कट की शॉर्ट कमांड हो जाएगी। कॉपी की बात करूँ CTRL के साथ अगर आप C प्रेस करते हो तो आपकी कोई भी चीज़ कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर का। दोस्तों अगर किसी भाई को अगर कंप्यूटर नहीं भी आता तो आज के वीडियो में वो बहुत कुछ सीखने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कैसा कम्युनिकेशन यानी कैसा संचार होता है। तो आपको बता दूं टोटल तीन प्रकार के संचार होते हैं, सिंपल, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। अब ये क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होएगा। जैसे कि अगर आपने लाउड स्पीकर में गाने बजा रखे हैं, अगर अब आपके फ़ोन में अगर कोई मिस कॉल या कुछ भी रिंग वगैरह बजती है तो आपके गाने बंद हो जाएंगे और आपकी कॉल की आवाज़ ही सुनाई देगी। तो ये होता है सिंप्लेक्स, जिसमें एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड प्रकार के कम्युनिकेशन की बात करें तो वो होती है हाफ डुप्लेक्स, जिसका मतलब होता है कि इसमें सेंड और रिसीव दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ही चीज़ होगी, या तो सेंड या रिसीव। जैसे कि आपने वॉकी टॉकी या देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा, जब तक वो एक बंदा ओवर एंड आउट नहीं बोलता इतने दूसरा बंदा उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तीसरे प्रकार का कम्युनिकेशन होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें सेंड और रिसीव दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मोबाइल, जिसमें दोनों व्यक्ति एक साथ बात कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट, यानी उस प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनको अपडेट की जरूरत नहीं होती वह किस प्रकार की मेमोरी में सेव होते हैं। तो वो मेमोरी होती है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में डिटेल में बात करें तो दोस्तों एक नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी होती है। अगर बाई चांस आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो अगर लाइट चली भी गई तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका डाटा ऐसे का ऐसे रहेगा। और आप याद रखिएगा ये एक प्राइमरी मेमोरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दूं एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन की तरह इस पे काम करते हो। एमएस वर्ड में एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्कबुक इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू, यानी वर्कबुक आपको किस एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। तो वो होती है एमएस एक्सेल। आपको बता दूं जब आप एक्सेल में काम करते हो कोई शीट पे तो उसको बोलते हैं वर्कशीट, और जो बहुत सारी वर्कशीट मिलके क्या बनाती हैं, एक वर्कबुक बनाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमएस वर्ड की बात करूँ तो आपसे पूछ सकता है कि एमएस वर्ड से क्या संबंधित है, तो आपको डॉक्यूमेंट पूछे तो वो किससे संबंध रखती है, एमएस वर्ड से। एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों जिस भी साथी का कंप्यूटर वीक है तो वो तो जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखे। द विंडोज साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन, तो जो विंडोज साउंड फाइल होती है उसका किस प्रकार का एक्सटेंशन या किस प्रकार की शॉर्ट कमांड होती है। तो वो होती है .WAV। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा, और इसकी फुल फॉर्म होती है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, जिसको किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। जैसे इसका एग्जाम्पल दूँ दोस्तों, तो जो हमारी ऑडियो की फाइल होती है उसको हम MP3 के नाम से जानते हैं, और MP4 किससे जानते हैं, जिसमें वीडियो होती है उसको MP4 के नाम से जानते हैं। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, जो कि एक लैंग्वेज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक तो इसकी फुल फॉर्म, और एक आपसे पूछेगा कि यह किस जनरेशन में यूज की गई थी। तो वो जनरेशन थी तीसरी, और कौन सी दशक में आई थी, 1960 के दशक में इसका यूज किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है याद रखिएगा। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। अब आप जानते हो दोस्तों हमारे जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं
उसमें टोटल 12 फंक्शन की होती हैं जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर लिखी हुई होती हैं, F1 से लेके F12 तक। और आप साइड में फोटो भी देख पा रहे होंगे, तो इसमें डिफरेंट की का डिफरेंट यूज होता है। जैसे सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे, F1 का। F2 किस में काम आती है, अगर आपको कोई फाइल का रीनेम करना है तो उसमें F2 का प्रयोग किया जाएगा। F5 का प्रयोग किस में किया जाएगा, अगर आपको रिफ्रेश करना है तो F5 का यूज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द नेटिव डाटा इन टू ए सिग्नल। अब इसको आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है, तो वो डिवाइस है मोडम। और आपको बता दूं, यह एक इनपुट के साथ साथ एक आउटपुट डिवाइस भी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट क्या है। आप सभी जानते हैं कि भैया इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और अगर आपसे पूछ ले बाई चांस इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो वो याद रखना, TCP/IP प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। जैसे हमारा शरीर सबसे किस छोटी इकाई से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, उसी प्रकार जो सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की, वो कौन सी होती है, सेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो आपको बता दूं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है रजिस्टर, जो कि एक CPU में होती है। उसके बाद में बात करें तो दूसरे नंबर पर कैशे मेमोरी आती है, और तीसरे पे आएगी रैम, और चौथे नंबर पर आती है हार्ड डिस्क। तो ये पैटर्न जरूर याद रखिएगा, सबसे पहला जरूर याद रखो वो कौन सा है, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ, यानी इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, आपको वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो माउस कीबोर्ड के साथ साथ जो जोस्टिक है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आपको कमेंट में दो दो इनपुट और दो दो आउटपुट डिवाइस के नाम बताने हैं इनके अलावा। विच ऑफ द कीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर की, यानी इन ऑप्शन में ऐसी कौन सी की हैं जिनको हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो शिफ्ट है, कंट्रोल और साथ साथ में एल्ट, ये तीनों ही की मॉडिफायर के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इन तीनों की का काम बहुत ज़्यादा है कीबोर्ड में। इनके साथ हम दूसरे बटनों का यूज करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो आपने देखा होगा आपकी ईमेल पे जब कोई एरा वेरा नथु गैरा कोई भी कुछ भेज देता है, या स्पैम बोलते हैं जिसको, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यानी अनवांटेड ईमेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाई चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। तो जो चार्ल्स बेबेज थे, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, तो उन्होंने जो सबसे पहली मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन तैयार किया था, उसका नाम क्या दिया था। अब पता नहीं साथियों, बहुत सारे लोग इसका अबेकस आंसर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि निहायत ही गलत है। आपको ये नहीं देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिकल इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, बेशक लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, वीडियो कंप्लीट देखा करो। और कंप्लीट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।